आज जो प्रयोग आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो उपाय शेयर कर रहा हूं, प्रयोग आपको कुछ अजीब सा लगेगा। मुझे भी अच्छी तरह से मालूम है कि ये वीडियो शेयर करने के बाद मुझे भी भली बुरी अनेक कमेंटों का सामना भी करना पड़ेगा, फिर भी ये प्रयोग आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, जीवन में अचानक विपरीत परिस्थितियां पैदा हो जाए, अचानक ऐसी घटनाएं बनने लगती है कि जो घटना से आप और पूरा परिवार दुखी हो जाते हैं। ऐसी समस्याएं आती है जीवन में, ऐसी परेशानियां आती है कि जो परेशानियों का अंत आपको नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, प्रयोग कुछ अजीब सा लगेगा, दोबारा बोलता हूं, मानते हैं नहीं मानते हैं अलग बात है, मगर ऐसी कोई समस्या जीवन में आ गई है कि जो समस्या का अंत आपको नजर नहीं आ रहा है। समस्या चाहे कोई भी हो, तन मन और धन की, ये प्रयोग करके देखें, लगातार करते रहें। दोस्तों, खासकर सडनली जो बुरा होता है हमारे साथ, हमारे जीवन में अचानक जो समस्या आती है, राहु की वजह से आती है, तो राहु को ठीक करने के लिए आसान उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एकदम आसान है उपाय, सरल है, कोई भी अवस्था में कर सकते हैं, कोई भी धर्म से है, कोई भी कंट्री से है, आप ये उपाय कर सकते हैं। मानते हैं नहीं मानते हैं, दोबारा बोलता हूँ, अलग बात है, मगर ऐसी परिस्थितियों का आप सामना कर रहे हैं तो ये उपाय आप करके देखें। उपाय आप हर शनिवार करेंगे, सूर्यास्त के बाद करेंगे। दोस्तों, 3, 4, 5, 6 शनिवार उपाय करके देखें। जो विपरीत परिस्थितियां है, बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, वो बात का भरोसा मैं आपको देता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली विजिट है आपकी, पहला वीडियो देख रहे हैं, दिल से स्वागत करता हूँ, वेलकम। ऐसी जानकारी में रुचि रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली बेल दबाएं, छोटे से प्यारे से परिवार के साथ आप भी जुड़ जाएं। हर दिन की तरह छोटी रिक्वेस्ट, नम्र अर्ज, वीडियो देखने के बाद लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, आपकी मर्जी की बात है, बिना भूले कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम का नाम, जय श्री राम अवश्य लिखे। दोस्तों, बाकी कैसी कमेंट करनी है मैं आपको रोक नहीं सकता हूँ। आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, समस्या का समाधान चाहिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो, इस नंबर पर आप मैसेज करके रख दे। जो भी समस्या है, समस्या का समाधान व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मिल जाएगा। छोटी फी पे करनी पड़ेगी, मामूली फी लेता हूँ। सभी जानकारी आपको मैसेज के माध्यम से मिल जाएगी, फालतू के मैसेज, फालतू के कॉल और एनी टाइम कॉल प्लीज़ ना करें। नंबर नोट करो, 8732985130। दोस्तों, जन्म पत्री आपके पास है, आपका बर्थ चार्ट आपके पास है कि नहीं है, राहु कौन सी भाव में है, कौन सी राशि में है, आपकी कौन सी राशि है, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ उपाय करके देखिए, लाभ अवश्य होगा, फायदा अवश्य होगा। जो अचानक विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में आ गई है, जो आपके लिए ठीक नहीं है, आप हमेशा दुखी रहते हैं, दोबारा बोलता हूँ, समस्या चाहे कोई भी हो, तन की हो, मन की हो या धन की हो, उपाय करके देखें। राहु
अब साफ सफाई करना चालू कर दे घर के अंदर। वैसे तो घर की साफ सफाई बहनें करती है, महिलाएं करती है घर की साफ सफाई, कोई घर में काम वाली बाई आके साफ सफाई करती है। मगर आप घर में छोटी मोटी कोई भी कोने में आपको गंदा दिखाई दे, कोई कूड़ा कचरा दिखाई दे, आप उठाकर साफ सफाई करना चालू कर दे, राहु ठीक हो जाएगा। मंदिर में जाए बस, अब क्या है कहाँ से है, सोसाइटी में आपका कितना बड़ा नाम है वो मत देखे, झाड़ू लगा दे मंदिर में, साफ सफाई कर दे। आपके टॉयलेट को साफ करना है शनिवार की रात्रि को। दोस्तों वैसे तो घर का टॉयलेट बहनें साफ करती है, वॉशरूम और टॉयलेट बहनें साफ करती है स्नान से पहले। सभी घर में बहनें वॉशरूम और टॉयलेट साफ करने के बाद ही स्नान करती है बहनें। मगर आप खास ये प्रयोग करें तो शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद टॉयलेट क्लीनर है दोस्तों, थोड़ा टॉयलेट क्लीनर आपके टॉयलेट में आप डाल दें बस, टॉयलेट को साफ करें, आपके वॉशरूम को साफ करें, थोड़ा पानी बहा दे साफ करके। अजीब सा लगने वाला ये प्रयोग दोस्तों आपको राहु को ठीक अवश्य करेगा। राहु की वजह से जो समस्याएं आ रही है वो समस्याओं कम अवश्य हो जाएगी, वो बात पे पूरा भरोसा रखें। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे, दिल से थैंक यू। खुश रहे, प्रसन्न रहे, भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूरी करें। सर्वदा सर्वत्र मां देवाय नमः। धन्यवाद। वंदे मातरम।